कोई भी हस्बैंड अपने ही पत्नी का या अपनी वाइफ का दूध पिए, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, जो कि हम जानते हैं आइडियल होता है एक छोटे से नन्हे से जान के लिए, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का वो दूध पिए तो सुनने में ये कितना अजीब सा लगता है ना। वो ब्रेस्ट मिल्क जिसको नेचर ने इसलिए बनाया है कि वो नन्ही सी जान जो दुनिया में आई है उसको नरिश कर सके, उसको बड़ा कर सके और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। बट बहुत सारे पतिदेव ऐसे होते हैं जो इतने खास फैंटेसी रखते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ साथ अपनी वाइफ का ब्रेस्ट मिल्क सक करते हैं। ऐसे काम अक्सर वो पुरुष करते हैं जिन्हें खास तौर पे अपनी पत्नी का या कोई भी औरत की जो ब्रेस्ट है वो उनको बहुत पसंद होती है। बहुत ज़्यादा फैंटेसी रखते हैं वो कोई भी फीमेल के ब्रेस्ट को लेके। किसी को उनके निपल्स बहुत पसंद होते हैं, किन को उनका दूसरा हिस्सा, या किसी को उनका पूरा का पूरा ब्रेस्ट। और अक्सर जब भी कोई औरत माँ बनती है तो शुरू शुरू में जब ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फास्ट होता है ना, तो शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें ब्रेस्ट जो होती है ना वो फुलर दिखती है, यानी कि एकदम सुडेल गोल और दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है। सबको ना भी हो पर जिन मर्दों को उनकी पत्नी के ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा वो इसकी फैंटेसी रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आकर्षित साबित होता है। और इसीलिए जितना वो ब्रेस्ट उस टाइम पे सुडेल होता जाता है, दूध भरती जाती है ना, मर्द के जो फैंटेसी होते हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप भी होते हैं। ये सबके लिए ना भी हो बट मैक्सिमम केस पे जिन मर्दों को अपने ही वाइफ की ब्रेस्ट मिल्क को पीने की आदत है या वो ऐसी फैंटेसी रखते हैं उनमें यही ज़्यादातर पाई जाती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई भी मर्द अपनी वाइफ का ब्रेस्ट मिल्क सक करे। बट सवाल ये आता है कि क्या इससे कोई भी नुकसान है, मतलब कि क्या हस्बैंड को इससे कोई नुकसान होगा या वाइफ को इससे कोई नुकसान होगी या फिर उनके बच्चे को क्या इससे कोई नुकसान होगा, वही हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो अमृत होता है बच्चे के लिए, तो डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क में जहर तो होता नहीं है कि वो पतिदेव के लिए जहर बन जाए या कोई भी उनको नुकसान दे, बल्कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो न्यूट्रिशन से भरा होता है। बट ये एक हस्बैंड के पेट को भरने के लिए या उनको न्यूट्रिशन देने के लिए कोई काम नहीं आता, क्योंकि सफिशियंट नहीं होता एक एडल्ट मेल के लिए। तो पतिदेव को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमृत पी रहे हैं, उनको इससे कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचता क्योंकि ना इससे उनका पेट भरता है ना तो उनके बॉडी में उस लेवल पे जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट है उनके बॉडी में न्यूट्रिशन जाती है। बट ये आइडियल होता है उस बच्चे के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मर्द अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए अपनी वाइफ के मिल्क को पी रहे हैं तो इतना सावधानी उन्हें रखना चाहिए कि वो इस लेवल पे शक ना कर ले कि उनके बच्चे के लिए सफिशिएंट मिल्क बची ना रहे, यानी कि बॉडी भी एक लिमिट तक एक टाइम पे प्रोडक्शन देती है। इस वक्त फीमेल की बॉडी थोड़ी सी थकी होती है, उस टाइम पे एक छोटे बच्चे के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है बॉडी उतना ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है, फिर धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लगता है, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एक टाइम पे फिर घटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पति देव जो है या फिर आप अपनी वाइफ का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको सक करते हो तो इतनी सावधानी आपको रखनी चाहिए कि वो एक लिमिट तक रहे, यानी कि आपके बच्चे को कभी भी भूखी ना बैठी रहनी पड़े, जब भी उनके बच्चे को रिक्वायरमेंट हो बच्चा पेट भर के दूध पी सके। क्योंकि एक जवान मर्द की जो सकिंग पावर होती है ना डेफिनेटली एक बच्चे के सकिंग पावर से बहुत ही ज़्यादा होती है, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा। तो एक बच्चा जितने तेज़ी से एक ब्रेस्ट मिल्क को सक करता है उससे 20 गुना ज़्यादा एक जवान मर्द उस ब्रेस्ट मिल्क को सक कर लेगा। तो इसीलिए जब एक जवान मर्द उस ब्रेस्ट मिल्क को सक करता है तो बहुत तेज़ी से दूध निकलना शुरू होता है और फिर ख़त्म भी। तो फैंटेसी को पूरा करने के लिए अगर आप एक्सेसिव दूध सक कर लेते हो तो इससे बच्चे के लिए वो इनसफिशियंट हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाने जाते हो अगर आपको हमेशा ढीलापन महसूस होता है, आप वो कड़कपन या फिर वो टाइटनेस फील नहीं करते जिसकी आपको ज़रूरत थी और आप कोई अच्छे से सप्लीमेंट को ढूंढ रहे हो तो आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐसे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स से बनाए गए हैं जो आपके पेनिस में इरेक्शन को लाने में और उसको बरकरार रखने में मदद करता है, काफ़ी अच्छा सुधार लाता है। जैसे कि इसमें लिविजा है, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड
मॉलिक्यूल हैं जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन फंक्शन है आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। इसीलिए ये जो लिविजा है ये इतना स्ट्रॉन्ग हर्ब है कि आप थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट महसूस कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली है जो कि हम सभी जानते हैं कि ये नंबर वन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। और जब भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होगी उसके साथ साथ नेचुरली आपके सेक्सुअल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, ये आपके लिबिडो को इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ ये भी अच्छे तरीके से आपके इरेक्शन लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर आप टाइमिंग को भी इंक्रीज करने आते हो, यानी कि जल्दी आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आप उसको थोड़ा सा टाइम को बढ़ाना चाहते हो, तो आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने फेवरेट पार्ट की थोड़ी सी मसाज कर सकते हो। इसमें क्लोव ऑयल है, इसमें एलोवेरा है और इसमें एलर्जेनाइन है। एलर्जेनाइन जो है वो आपके फेवरेट पार्ट के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है, साथ ही साथ लॉन्ग ऑयल जो है वो आपके हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, और एलोवेरा जो है वो आपके फेवरेट पार्ट की स्किन में नरिशमेंट लाती है जिससे कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह से आपका फेवरेट पार्ट जो है वो दूर रहता है। तो अगर आप कोई भी अच्छा सप्लीमेंट ढूंढ रहे हो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली गई है, आप इसको ऑर्डर करके देख सकते हो। और हाँ, अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर करो, इससे आपको फ्लैट इतने % डिस्काउंट मिल जाएंगे। बहुत बार आफ्टर डिलीवरी जो मदर होते हैं, जो न्यू मॉम होती है, उनके जो निपल होते हैं ना वो क्रैक हो जाती है। बहुत बार शुरू शुरू में जब बच्चा उसको सक करता है तो ऊपर की चमड़ी वो निकलना शुरू होती है जिसकी वजह से दर्द उन्हें महसूस हो सकता है। अब बच्चे के तो दांत नहीं होते तो जाहिर सी बात जब बच्चा उसको सक करता है ना तो हाँ सक करने की वजह से उनको दर्द हो सकता है बट उनके दांत नहीं चुभते। बट वही निपल अगर उनके हस्बैंड सक करें तो हो सकता है कि दांत उनको चुभे और इससे उनके माँ को दर्द हो, यानी कि उनकी वाइफ को दर्द हो, क्योंकि बच्चा जब सक करता है ना तो उसका मुंह जो होता है सॉफ्ट होता है, पर हो सकता है कि हस्बैंड का मुंह ने उस टाइम पे सॉफ्ट ना लगे। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इतना ब्रेस्ट मिल्क मत पी जाओ कि आपके बच्चे के लिए वो इनसफिशियंट हो। और अपने वाइफ के हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर उनके निपल में जो स्किन है वो अगर रिमूव हो रही है या फिर क्रैक निपल की उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या फिर कहीं भी ब्रेस्ट में दर्द है जो कि एक्सेसिव प्रोडक्शन से हो सकती है, तो उस टाइम पे अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को सक कर लेते हो ना तो ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक न्यू मॉम के केस में तो बहुत बार ओवर प्रोडक्शन से ना गांठें आ जाती हैं, फिर हमें पंप करके निकालना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ जब मैं मेरी डिलीवरी हुई थी। तो उस टाइम पे अगर आप ब्रेस्ट मिल्क सक कर लेते हो तो वो फेंकना भी नहीं पड़ता और मदर के बॉडी के लिए आइडियल होता है, तब वो ठीक है क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन की भी एक लिमिट बन जाती है और एक बैलेंस भी बन जाता है। बट हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ओवर सक नहीं करनी है, बच्चे के लिए इनसफिशियंट प्रोडक्शन नहीं बनाना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज़ अगर आप ध्यान से चलते हो ना आपको नुकसान होगा और ना आपको नुकसान होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।